का स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सियासत का टेप कांड में और आपके साथ मैं रश गोगोई। अंडरवे टेप कांड मामले में मंतूराम पवार ने उपचुनाव के दौरान नाम वापस लेने वाले अन्य 6 उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए हैं। पवार ने कहा है कि दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके दामाद पुनीत गुप्ता के साथ एक मीटिंग हुई थी। ये मुलाकात फिरोज सिद्दीकी और संजय अग्रवाल ने करवाई थी और इस दौरान कहा गया था कि जो भी आश्वासन दिए गए थे और दिए गए हैं उसे आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा। डॉक्टर पुनीत गुप्ता राजेश मूणत के साथ बैठकर सब काम कर देंगे। तो मंत्री राम पवार ने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने यदि पैसे लिया होता तो मैं कोर्ट की शरण ही आखिर क्यों लेता और क्यों कोर्ट गया होता। लेकिन उन्होंने कहा कि टेपकांड के खुलासे के बाद आज वॉइस सैंपल की बात की जा रही है, लेकिन मैं कब से कह रहा हूं कि जब मंतूराम वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हैं तो फिर डॉक्टर पुनीत गुप्ता क्यों नहीं दे रहे हैं, अजीत जोगी क्यों नहीं दे रहे, अमित जोगी क्यों नहीं दे रहे। इसका मतलब तो ये है कि दाल काली नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल यहां पर काली है। तो मंतूराम पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत, अमन सिंह और ओम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धमतरी थाने में बुधवार को FIR दर्ज की गई है। अंतागढ़ उपचुनाव केस में आरोपी मंतूराम पवार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस क्लब में खरीद फरोख्त को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। तो मंतूराम पवार ने अंतागढ़ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर सीधे हमला बोला है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अंतागढ़ उपचुनाव में कोर्ट में दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने मंतूराम पवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। निष्कासित के बाद मंतूराम पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई खुलासे किए। उन्होंने कहा है कि मुझ पर पड़ रहे दबाव की जानकारी मैंने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को दी थी। मैंने कहा था कि मुझ पर दबाव है, मुझे बंधक बनाकर रखा गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजेश तिवारी ने ऊपर मैसेज दिया है या नहीं। पवार ने कहा है कि मुझे आज भी जान का खतरा है, बड़े बड़े राजनीतिक हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कुछ होता है तो जिन जिन लोगों के नाम आज लिए जा रहे हैं ये दोषी होंगे। मंतूराम पवार ने कहा है कि हमने हर बातों को जनता के सामने रखा, इससे बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हो गए, बहुत सारे नेता अपने चेहरे को छिपाने में लग गए, लोग इसे बदलापुर की राजनीति के तौर पर देखते हैं। मंतूराम पवार ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी ने मिलकर मुझे फंसाया। नाम वापसी के बाद में कितनी बार अजीत जोगी से मिला? शपथ पत्र देने के बाद 6 के 6 न्यायालय में 164 का भी बयान हो गया है। ये 6 प्रत्याशी का 164 का बयान न्यायालय में श्रीमान नीरज श्रीवास्तव जी के न्यायालय में इनका 164 का भी बयान हो चुका है और इनको लालच दिया गया है 1-1 करोड़ का। इनको ये कहा गया है कि रमन सिंह के माध्यम से राजेश मूणत और ओपी गुप्ता, अमन सिंह, इन लोगों ने पूरा बात करवा के 1-1 करोड़ में इनका सौदा हुआ। उनसे कहा कि रमन सिंह से बात कराओ, ना तो मुझे पैसा मिल रहा है और ना ही पद, मुझे कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया। विधानसभा लोकसभा में टिकट की बात कही गई लेकिन नहीं दी गई। जब से मैं नाम वापस लिया तब से मैं दबाव में था। मुझसे कहा करते थे कि यदि पार्टी खिलाफ जाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं डॉक्टर रमन सिंह से हर 15 दिन में मिलता था। मैंने उनसे कहा था कि आपने अजीत जोगी से कह दिया था कि पद ये पैसा देंगे, लेकिन लंबे समय तक टालते रहे। जितने भी डॉक्यूमेंट बनते थे, चाहे शपथ पत्र की बात हो या अन्य बात हो, मुझ पर दबाव डालकर कराते थे। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देने की काम राज्य सरकार की है, यदि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा, लेकिन जो बातें हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक जंतर मंतर तक के धरना दिए थे, आज वो समय के साथ वो सारे खुलासे हो रहे हैं, स्वीकार किया जा रहा है। अब रमन सिंह जी का जो चेहरा है, वास्तविक चेहरा, वो सामने आ गया है।
मैंने देखा कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे ऊपर मेरे प्रतिद्वंदी विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मंतूराम पवार का बीजेपी में अपमान हुआ, जगह नहीं दी गई। कांग्रेस ने सम्मान दिया, बीजेपी ने धोखा दिया। मैंने अपने विवेक से सोचा कि मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। 7 तारीख को मैं कोर्ट गया और 164 में बयान दर्ज कराया। मुझे 10 तारीख को दादागिरी के साथ पार्टी से निकाल दिया गया। यह है शुचिता की बात करने वाली पार्टी। मुझे रमन सिंह ने दादागिरी के जरिए पार्टी से हटाया। 12 उम्मीदवार हम लोग नामांकन भरे थे, जिसमें 6 लोग मेरे साथ। ये सब आदिवासी हैं, ये भोले भाले लोग हैं, ये ईमानदार हैं, ये चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़के जनता के बीच में जाके सेवा करना चाहते थे। बाकी हम साथ के साथ उसी चेम्बर में फंसे हुए लोग हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिसके चलते हुए आज हमारे बीच में आए हैं। इधर मंतूराम पवार के अपनी जान के खतरे में होने वाले बयान के बाद जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंतूराम पवार ने अंतर्गढ़ उपचुनाव में हुए खरीद फरोख्त को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद रमन सिंह का वास्तविक चेहरा सामने आया है। जरूरत के मुताबिक मंतूराम को सुरक्षा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इधर बीजेपी मंतूराम के बयान को राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है। बहरहाल दंतेवाड़ा चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस के इशारे और दबाव के बाद मंतूराम पवार ने अंतर्गढ़ को लेकर अपना बयान बदला है। हालांकि बदले सियासी समीकरण के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि इस मामले में अब सियासी फायदा किसे मिलेगा। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त रायपुर स्टूडियो में जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवाते हैं। अमित चिमनानी जी हैं भाजपा प्रवक्ता। अमित जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। रविकांत कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशिक साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आपका ही रुख करूंगी, जो आरोप कांग्रेस ने 2014 से लेकर आज तक लगाती आई है उनमें कहीं ना कहीं सत्यता अब झलक ही नहीं रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये सच साबित हो रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 164 के तहत बयान भी दर्ज कर दिए गए हैं और 164 के जब बयान दर्ज होते हैं तो आप भी जानते हैं कि वीडियोग्राफी भी होती है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होते हैं। रिएक्शन चाहूंगी सर तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। गौरी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज ऐसे व्यक्ति की बातों को सत्य माना जा रहा है जो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। ये मंतू पवार जी एक बार कहते हैं कि मैंने खुद से विड्रॉ किया था, दूसरी बार कहते हैं कि मैं डरा धमका के विड्रॉ कराया गया मुझे, तीसरी बार कहते हैं कि 7 करोड़ का प्रलोभन दिया गया, चौथी बार कहते हैं कि मुझे लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विड्रॉ करवाया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो रोज बयान बदलता है और एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय करता है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की बात की कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। और मुझे तो कुल मिला के आपका कहना हो रहा है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब ये तब मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ गौरी जी, मुझे जिस वक्त उन्होंने नाम वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी की करीबी बताई थी और जब पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तब भी यही ऑथेंटिसिटी आप बताते, तब उनकी ऑथेंटिसिटी पे तब भी आपको सवाल खड़े करने चाहिए थे। अमित जी, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली है गौरी जी, करोड़ों मेंबर है हमारी पार्टी के। जो केस न्यायालय में चल रहा है उसका बाजारीकरण रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी करके क्यों किया जा रहा है? अच्छा। क्यों आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रमन सिंह जी बेनकाब हो गए? गौरी जी मेरे मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज, हम लोग डिबेट ना करें। अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को इतना भरोसा है मंतू राम जी जो कह रहे हैं वो सत्य है तो कोर्ट में जाकर के शपथ पत्र दे क्यों नहीं देते? तो मंतू राम जी जो कह रहे हैं उधर से मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्या परहेज? देखिए न्यायालय, न्यायालय का मुद्दा है, वॉइस सैंपल बिना न्यायालय के नहीं दिया जाता, ये संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान के अधिकार का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं, न्यायालय कहेगा तो सभी लोग देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जो व्यक्ति रोज बयान बदलता है उसकी प्रामाणिकता आज क्या है, मैं ये सभी से पूछना चाहता हूँ। और क्या प्रासंगिकता है और मुख्यमंत्री जी क्यों उनकी बातों को सत्य मान रहे हैं? धनंजय जी से पूछ लेते हैं। ठीक है धनंजय जी से पूछ लेते हैं। धनंजय जी, तमाम आरोप लगा दिए गए हैं कि वक्त वक्त पे अपने बयान बदल रहे हैं, फिर किस बात की ऑथेंटिसिटी क्यों यकीन किया जा रहा है? ये आरोप लगा रहे हैं अमित जी। गौरी जी
ये वही मंतूराम पवार है जो अंतागढ़ में जब नाम वापस लेता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बाजा गाजा फटाका के साथ स्वागत करके उसको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाते हैं। और कांग्रेस पार्टी उस दिन भी आवाज उठा रही थी कि अंतागढ़ में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, उस लोकतंत्र की हत्या में जो जो शामिल जो लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, रायपुर से लेकर दिल्ली तक। इसलिए कांग्रेस के पार्टी ने लड़ाई लड़ा है। और आज जब मंतूराम पवार जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वह सच्चाई की बखान कर रहा है, एक और बैठे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यहाँ पे कहते हैं कि न्यायालय जब आदेश देगा तो सैंपल देंगे, और उसी न्यायालय में जाए तो मंतूराम पवार ने 64 का बयान दर्ज कराया है, उसी न्यायालय में जाए कि इस बात को स्वीकार किया है। कई बार दूसरे बयान दिए हैं, सुन लीजिए ना, सबर कीजिए। उसी न्यायालय में जाके 64 का बयान दर्ज कराया है कि मेरे को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त, पूर्व मंत्री अमित जोगी, इनके द्वारा डराया गया, धमकाया गया। तत्कालीन सरकार के समय जो कांकेर के जो एसपी हुआ करते थे उन्होंने उनको धमकी दिया कि जीराम जैसे कांडों को भुगतने के लिए तैयार रहो। आज मंतूराम पवार ने एक बात का और खुलासा किया है, उसके साथ 6 और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान उनको एनकाउंटर की धमकी दिया गया, उनको बर्बाद करने की धमकी दिया गया। आज जब सच्चाई सामने आ चुकी है, जब अंतागढ़ लोकतंत्र के हत्यारे कौन कौन है छत्तीसगढ़ जनता ने पहचान चुकी है। सुन लीजिए, सबर करिए, मौका मिलेगा, मौका लीजिए, सबर कर लीजिए। जल्दी क्या है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत भी नैतिकता बाकी नहीं है? थोड़ी बहुत भी नैतिकता बाकी नहीं है? पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंतूराम पवार ने जो आरोप लगाया है, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिस जारी करके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त से पूछा भी नहीं है। और ये नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता तो भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है, और छत्तीसगढ़ को हम न्याय मिलने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। ठीक है, बाकी में किसको पीड़ा हो रही है, किसके पेट में मरोड़ हो रही है, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कौशिक जी, खरीद फरोख्त मान सम्मान और डर की राजनीति के बीच में जो जनता का जो विश्वास है उसको तमाम राजनीतिक पार्टियां खोती जा रही हैं। न जाने इतने कितने टेप कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है ये टेप कांड क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदल पाएगा? ये तो जनता को ही पूछ लेना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़िया यदि सबसे बढ़िया है और ये नारा देते हैं तो उस राज्य में इस प्रकार की दूषित राजनीति करके ये कौन से पवित्र हाथों से, साफ मन से, पवित्रता की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं। मैं आज मंतूराम पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने उनसे भी पूछा था कि जो आदमी 5 साल में 3 प्रकार के बयान बदला हो, चौथी बार अलग किस्म की बयान बदला हो, जो कभी रमन सिंह की प्रशंसा करते हो, वही आदमी अजीत जोगी की भी प्रशंसा करते हो, और वही आकर के पहले भूपेश बघेल की आलोचना करते हो और अब भूपेश बघेल की प्रशंसा करते हो, जो एक आदमी 5 साल के अंतर्गत एक ही प्रकरण में 4 प्रकार के बयान दे और उसके बाद कहे मैं ईमानदार हूँ, तो कैसे जनता इस पर ईमानदारी के, इसकी ईमानदारी पर विश्वास करे? देखिए कौशिक जी, बड़ा सवाल ये है कि मंतूराम की ईमानदारी पर भी सवाल। हाँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ वासी के साथ। कौशिक जी, बड़ा सवाल ये है, आदमी ने ठीक है जिस गौरी जी मैं ये कहता हूँ कि अगर जनसेवक राजनेता यदि ईमानदारी की अगर अपनी बात करते हैं तो जिस पार्टी ने उसको 4 बार टिकट दिया उस पार्टी को उसने धोखा दिया। सोनिया गांधी को नेता मानता था, सोनिया गांधी ने उनको टिकट दी थी और उस पार्टी को उसने धोखा दिया। तो धोखेबाज आदमी जो है या राजनीति में अविश्वास के तौर पर पैदा करने वाला है ना, जो आदमी राजनीतिक प्रदूषण पैदा किया हो, इस प्रदूषण पैदा करने वाले में कोई एक अकेले वो भी नहीं है। अगर जिनके नाम ले रहे हैं अगर वो भी अगर रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छी राजनीति वो लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग इसमें शामिल है। और मैं तो कहूंगा कि इस प्रकरण में बहुत हो चुका है, अब इस प्रकरण का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इस प्रकरण में मैं नहीं जानता कि कौन कौन दोषी है और क्या है, परंतु जो कुछ भी हुआ अंतागढ़ उपचुनाव का प्रकरण छत्तीसगढ़ के माथे पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक कलंक है। और इस कलंक से बचने के लिए होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने तो कुछ नहीं की, वर्तमान सरकार की अब जवाबदारी है कि इस मामले का दूध और पानी का पानी करे और न्याय और नीतियों की बात करे। और छत्तीसगढ़िया आदि सबसे बढ़िया है, और अगर इस बात पर सारे लोग कायम है तो सारे राजनीतिक दलों की जवाबदारी है कि
इस कलम को धोएं और इसमें जो जिम्मेदार हैं उनको जहां होना चाहिए वहां पर वो भेजें। इसमें व्यक्तिता का भी नाम आ रहा है, इसमें नौकर साहब का भी नाम आ रहा है और उसमें इसमें स्वयं मंतूराम पवार की स्थिति कितनी अच्छी और कितनी बुरी है उसको भी जनता समझे और ऐसे लोगों को जनता भी सबक सिखाए। बिल्कुल, जिस तरह से कौशिक जी आप कह रहे थे कि मंतूराम पवार की किसी भी स्टेटमेंट की और उनकी पर्सनालिटी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती है, जिस तरह से वो अपने लगातार रेगुलर स्टेटमेंट बदलते आ रहे हैं, कभी रमन सिंह के फेवर में देते आए, फिर अजीत जोगी जी बिल्कुल, और फिर उसके बाद अब भूपेश बघेल मतलब कांग्रेस की सरकार के फेवर में दे रहे हैं। ऐसे में तो सर तमाम लोगों की भी पर्सनैलिटी और उनकी ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल खड़े होने लगे हैं सर। हाँ बिल्कुल, सवाल उठेंगे। अगर जो आदमी अवसर देख करके अपनी बात करेगा और समय देख करके अगर वक्तव्य को अगर बदलेगा तो उस आदमी पर क्यों विश्वास किया जाए? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। क्यों विश्वास करे कोई? प्रदेश की जनता क्यों उनको क्यों विश्वास करे, चाहे वो कोई भी नेता हो। बिल्कुल अमित जी, मेदांता अस्पताल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के साथ मुलाकात हुई थी, ये आरोप मंतूराम पवार ने लगाए हैं। फिरोज सिद्दीकी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, संजय अग्रवाल ने ये मुलाकात कराई थी। अब आप बताइए कि फिर कहां पेच फंस रहा है? आप क्यों, अगर हुआ है किसी तरह की लॉबिंग हुई है तो उस वक्त भी नहीं माना जा रहा था, इस वक्त भी नहीं माना जा रहा था, ये जिस तरह से प्रलोभन की राजनीति हो रही है ये कब तक होती रहेगी सर? देखिए गौरी जी, मैं मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक मंतूराम पवार जिसकी आदरणीय कौशिक जी ने भी बात की कि ऐसा व्यक्ति जो बार बार बयान बदलता है उसकी प्रमाणिकता क्या है बयानों की, लेकिन वो अगर बयान दे रहा है तो वो उसको सत्य मानकर आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं? वो कह रहा मिले थे तो साबित हो गया क्या? अगर हमारे अमित जी सुनिए ना, जब उन्होंने क्विट किया था 2014 में तो गाजे बाजे के साथ आपने वेलकम किया था सर, तो सवाल तो नेचुरल है आपसे बनेगा, आपसे पूछेंगे। उस समय क्या बात सामने आई थी गौरी जी? उस समय क्या सामने बात आई थी कि उन्होंने खुद से विड्रॉ किया, ये बात सामने आई थी उस समय? और कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अगर उसके अनुशासन के रूप में शामिल होना चाहता है तो हम वेलकम करते हैं, हमेशा करते हैं। तो क्या किसी को हमने सदस्य बना दिया तो गुनाह कर दिया? और आज जब वरिष्ठ पत्रकार और हम लोग और सभी लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार बयान बदल रहा है, कोई उसकी प्रमाणिकता नहीं है, तो प्रदेश के मुखिया उसकी बात सुनकर के कहते हैं कि रमन सिंह का असली चेहरा दिख गया, ये क्या बात है? आप एक व्यक्ति के बयान को इतना ज्यादा राजनीति में घुसाकर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? मुझे गौरी जी 30 सेकंड वक्त दीजिएगा, प्रदेश की राजनीति के बारे में बताता हूं। दंतेवाड़ा उपचुनाव का नामांकन भरा जा रहा था तभी स्वर्गीय भीमा मंडावी जी के हत्या का जांच करने वाला आयोग सामने आता है और कहता है कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सारे संदिग्धों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट दे दी जाती है। अच्छा। जहां पर जिन मामलों में मुख्य अभियुक्त हैं जो लोग उनको गवाह बना दिया जाता है, यहां पर यह क्या हो रहा है? इसका जवाब भी तो देना कांग्रेस कि ये हो क्या रहा है? देखिए जीरम घाटी पे भी सवाल किया जाएगा, वोट 3 महीने में खा दिए हैं, सवाल किया जाएगा सर, कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है। आप लोग कुछ कांग्रेस से जवाब लेना चाहिए, जीरम पे भी सवाल किया जाएगा। धनंजय जी तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोप क्या है गौरी जी? कातिल कौन ये स्पष्ट हो चुका है। अरे फिर जांच का क्या हुआ भाई? वो गवाही दे रहा है कि मेरे कत्ल में ये शामिल थे। वो बता रहा है जो पीड़ित था उस समय, जो अंतागढ़ का जो प्रत्याशी था, तो जिनके साथ वो, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सर, आप जवाब देते नहीं है। वो बता रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उसके बयान को सही मानी है तो मैं अपराधियों को संरक्षण देना है, एक बार और फिर अपराधियों को संरक्षण देना है, और जो लोकतंत्र की शुचिता है, जो लोकतंत्र की पवित्रता है, जिसमें न्याय मिलने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसे अपने उस अपराधी लोगों को बचाने में लगी हुई है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता बाकी है तो उनको आप रमन सिंह जी को, पूर्व मंत्री को नौकरी से
कोर्ट जिसका स्वागत सवाल ही आप ही लोग कर लीजिए, हम लोग अपना काम ही छोड़ देंगे। मंतूराम पवार सच्चाई बता रहा है, बता रहा है मंतूराम पवार की अंतरगढ़ के लोकतंत्र के हत्या में कौन कौन शामिल थे, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पूरे का पूरा पटाक्षेप हो चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतंत्र की हत्या में शामिल रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप दोनों पार्टी दूसरे पर लगा देती है और जनता लोकतंत्र की हत्या होती है, लेकिन जब वाजिब सवाल किए जाते हैं तो कन्नी काट ली जाती है। दूरे हुए हैं लोकतंत्र की हत्या, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार प्रदेश में और देश में होती है, लेकिन जो हमारे राजनेता हैं वो कुछ सीखने को तैयार नहीं, कुछ बदलने को तैयार नहीं, सिर्फ लोकतंत्र की हत्या का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन राजनीति का स्तर गिराते जा रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश बस नहीं। यही तो इस राज्य में हो रहा है कि जब जोगी जी पहली बार जब बाय इलेक्शन के लिए रामदयाल उइके को भाजपा से तुड़वा करके कांग्रेस में जब प्रवेश कराए थे तो भाजपा ने उसकी बड़ी आलोचना की थी और भाजपा ने दम भरा था कि हम सुचिता सुशासन अनुशासन वाले हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी फिर अब जब कुछ समय के बाद मतलब 2001 के बाद जब 2014 की जब बात आ गई, 14 साल का वनवास शायद फलीभूति इनको चल गया 14 साल की सरकार में, तो इन मतलब उस समय इनकी 11 साल की सरकार हो गई थी, तब जो है ये अंतागढ़ में वही चीज को पुनरावृत्ति करते हैं। जब रामदयाल उइके का प्रकरण अजीत जोगी ने जो किया था, उसके दल से इस्तीफा दिलवा करके उसके जब उसकी खाली करवा करके वहां से जब चुनाव लड़े थे, वो जब गलत किया था, तो आप यहाँ नाम वापसी करवाने का प्रकरण, आप ये किस प्रकार का चाल करेक्टर आप क्यों कर रहे थे भाई? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इसकी भी, और उसके बाद ये जानते हुए कि जो आदमी आस्था परिवर्तन कर लिया, जिस आदमी को चार चार बार सोनिया गांधी ने टिकट दिया, वो आदमी अगर एक बार आस्था परिवर्तन करे, उसको भाजपा ने ऐसे गाजा बाजा के साथ क्यों स्वागत किया भाई? बिल्कुल। तो भाजपा और कांग्रेस का फिर करेक्टर क्या रह गया? दोनों दल बदल के मामले में या फिर आस्था बदलने वालों का स्वागत कर रहे हैं, दल बढ़िया है दोनों, और दोनों कहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल और अवसरवादी राजनीति करते हैं। ये दोनों लोकतंत्र सहमत हूँ आपसे, अवसरवादी राजनीति करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं, दोनों ही दल इसी यही अवसरवादी राजनीति करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, ये भूल जाते हैं। हाँ, बड़ा सवाल ये है कि बबूल बोया जाएगा तो आम किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया मैं जी चर्चा में शामिल होने के लिए, कौशिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अंतागढ़ उपचुनाव टेप में आरोपी मंतूराम पवार ने आज तमाम 6 लोगों के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खरीद फरोख्त का बड़ा खुलासा किया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और क्या कुछ बदलाव प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलते हैं। चर्चा में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।